जय बजरंग बली। जय हिंद दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे पटना जंक्शन पर अपना प्यारा तिरंगा लहराता हुआ। आप सबका स्वागत है एक डिटेल्स वीडियो में, जिसमें कि हम लोग पटना जंक्शन और पटना महावीर मंदिर के बारे में डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। यह पटना जंक्शन का बाहरी इलाका है, जहाँ पर कि हनुमान मंदिर भी है अपना। मैं मंगलवार को हनुमान मंदिर आया था, जहाँ पर कि मैंने हनुमान जी के दर्शन किए। तो लेकिन हनुमान जी के दर्शन करने से पहले जो बाहरी इलाका है उसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं, फिर सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं दृश्य, ये हनुमान मंदिर का एडजेसेंट साइड ही है, जहाँ पर कि लोग आ रहे हैं मंदिर से और जा भी रहे हैं। जब कभी भी आप आएंगे हनुमान मंदिर, तो जो जूते चप्पल होते हैं उनको उतारने का जो काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर कि आप अपने जूते और चप्पलों को रख सकते हैं, तो यही वो काउंटर है जहाँ से कि आप इन भी करेंगे। तो हम लोग इन करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले जो बाहर का जो इलाका है कि किस तरह से जो हनुमान मंदिर है वो अपना एस्टेब्लिश किया गया, क्या है इसके हिस्ट्री को भी देखेंगे। आप ठीक सामने में देख पा रहे होंगे हमारा प्यारा झंडा जो है वो लहरा रहा है पटना जंक्शन के ठीक सामने। ये जो एरिया है पटना जंक्शन का, ये एक नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ से जो ये यात्रीगण अंदर जा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर एक के तरफ जाएंगे और अपने गंतव्य तक हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे समय 7 PM है अभी, और ऊपरी दृश्य जो है बाहर से लिया गया हनुमान मंदिर का। काफ़ी भव्य मंदिर है, हम लोग देखेंगे अंदर चलेंगे। लेकिन अभी जो आप ये देख पा रहे हैं दृश्य, ये बाहर का दृश्य है, जहाँ से कि आप यदि पटना जंक्शन पर उतरते हैं तो इसी साइड में आप अपने जो भी ऑटो या आप बस पकड़ते हैं अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए, तो यहीं से मिलते हैं आपको वो जितनी सारी गाड़ियां हैं। पटना जंक्शन के जस्ट सामने में ही हनुमान मंदिर है, तो हम लोग जाएंगे अंदर। सबसे पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अपना जो पटना जंक्शन है, इसकी स्थापना 1861 में होती है। तब पटना जंक्शन नाम नहीं था, तब इसे बांकीपुर रेलवे स्टेशन कहा जाता था। जब मोहनदास करमचंद गांधी 10 अप्रैल 1917 को इस जगह पर आए थे कोलकाता से होते हुए, तब इसे बांकीपुर रेलवे स्टेशन कहा जाता था। और यहीं से मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि वो मोहनदास करमचंद गांधी बन के आए थे 1917 में, और चंपारण के लोगों ने उन्हें महात्मा गांधी बना दिया। तो ये कुछ इतिहास के वो सुनहरे पल हैं जो हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं, जो पटना की धरती से जुड़े हुए हैं। शाम हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पंछीगण भी अपने घरों को गए। कुछ इस तरह का दृश्य है शाम के समय का। पटना जंक्शन के जस्ट हम लोग आगे में हैं। सामने में आप देख पा रहे होंगे मौर्य सम्राट महात्मा बुद्ध और नालंदा यूनिवर्सिटी की जो पेंटिंग्स है वो काफी बड़े तौर पे की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बरगद का पेड़ जो है, एक पीपल का पेड़,
जो आगे चलकर महा बौद्धि वृक्ष कहलाया। पटना जंक्शन के जस्ट हम लोग सामने हैं, ये गेट संख्या 3 है, आप यहां से भी एंट्री करेंगे, ये मेन गेट है, तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सीधे पहुंच जाएंगे। बौद्धि वृक्ष आप देख पा रहे हैं सामने में, जो पीपल का पेड़ था जब महात्मा बुद्ध ने अपनी तपस्या स्टार्ट की थी तब। हमारे बिहार का जो सबसे मोस्ट फेमस फेस्टिवल है वो अपना छठ महापर्व है, जो दीपावली के छठे दिन सेलिब्रेट किया जाता है बड़े धूमधाम से। ये पटना जंक्शन के जस्ट सामने से लिया हुआ दृश्य है हनुमान मंदिर का, अर्थात कि ये हनुमान मंदिर का बैक साइड है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से दिखता है। शाम का समय है, बहुत सारे यात्रीगण आ रहे हैं अब जाने के लिए अपने गंतव्य की तरफ, बहुत सारे लोग रिलैक्स भी हैं यहाँ पर आकर, तो ये दृश्य काफ़ी मनमोहक होता है, आप आएँ और इस चीज़ को ज़रूर इन्जॉय करें। पटना रेलवे स्टेशन के जो भी कर्मचारी हैं जिन्होंने इस तरह के पेंटिंग्स बनाए हैं पटना जंक्शन को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए, उनको हार्दिक बधाई, हृदय से बधाई उनको। कुछ हम लोग हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये जो नया भवन अभी आपको दिख रहा है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है 1983 से लेकर 1985 के बीच में माननीय आचार्य श्री किशोर कुणाल जो हैं उनके और भक्तों के योगदान से किया गया है। किशोर कुणाल फॉर्मर आईपीएस हैं बिहार कैडर के, उन्होंने कई मंदिरों को जो पहले बहुत छोटे अस्तित्व में थे उनको बहुत बड़ा बनाया, कंस्ट्रक्शंस किया, जैसे अपना पटना का महावीर मंदिर भी है, तो इसका भी हिस्ट्री यही स्टार्ट होता है कि 1948 से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था और उसी के सामने उसी के नीचे हनुमान जी के दो रूप स्थापित किया गया। तो पूरे विश्व में हनुमान जी के दो रूपों का दर्शन केवल और केवल पटना हनुमान मंदिर में ही हो सकता है। अब हम लोग अंदर इन कर रहे हैं, मैंने जूते खोल दिए हैं और पैर अब मैं धोने जा रहा हूँ, और पैर धोने के बाद सामने में नल लगे हुए हैं जो आपने देखे, और अब हम लोग इस रास्ते से इंटर करेंगे मेन जो अपना मंदिर का गेट है वहाँ पर। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ पर नवेधम जो तिरुपति में लड्डू बनते हैं उन्हें नवेधम कहते हैं। तिरुपति के बाद बिहार में जो अपना हनुमान मंदिर है यहाँ पर जो नवेधम है वो सेकेंड नंबर पे आते हैं बिकने में, काफ़ी यहाँ पर इसकी जो भी भक्तगण आते हैं लड्डू प्रसाद के रूप में लेते हैं और बजरंग बली को चढ़ाते हैं। प्राइस देख पा रहे होंगे जस्ट सामने में, मैक्सिमम जो प्राइस है 1 किलो यदि लेते हैं तो 300 और यदि 250 ग्राम लेते हैं लड्डू तो वो 75 रुपये के आते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने प्राइस देख लिए हैं, अब हम लोग यहाँ पर इन कर चुके हैं। यदि आप पूजा पाठ करना चाहते हैं हनुमान मंदिर में आके तो आपको जस्ट हम लोग ऊपर जाएंगे तो देखेंगे, आप सामने में देख पा रहे हैं कि पूजा पाठ की रसीद यहीं से कटती है। आपको जो पंडित जी होते हैं जो पूजा कराते हैं उनको कुछ पैसे नहीं देने होते हैं, पूजा कराने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको रसीद लेनी होती है और जो यहाँ पे पैसा पेमेंट है बस वो करना है, और सामने में से आप पूजा के जो भी मटेरियल्स हैं पूजा करने के लिए तो वो ले सकते हैं। सन 1948 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट ने
हनुमान मंदिर को सार्वजनिक घोषित कर दिया था, इसका भी हिस्ट्री हम लोग जानेंगे आगे। अब हम लोग एकदम आगे हैं, जहां पर मंदिर का मुख्य जो हनुमान जी की जो मूर्ति स्थापित है, दो मूर्ति आप देख पा रहे होंगे, आते वक्त आपको दिखाएंगे। जस्ट आपने देखा होगा कि राइट साइड में हमारे लिखा हुआ था कि यहाँ पर दो स्वरूप भगवान बजरंग बली का है, और ये विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर कि हम भगवान बजरंग बली के दो युग्म प्रतिमाओं को एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आरती के लिए व्यवस्था किया गया है। जैसे ही आप प्रसाद और यदि आपने फूल माला लिए हैं, यहाँ पर पंडित जी हैं, आप देते हैं प्रसाद और अपने माला को और बजरंग बली पे चढ़ाकर ये फिर आपको वापस कर देते हैं प्रसाद, और फिर आकर आप यहाँ पर आरती ले सकते हैं। तो ये कुछ अद्भुत दृश्य हैं जो मन मुग्ध कर देता है। आने के बाद काफ़ी शांति और एक सुखमय अनुभव की अनुभूति होती है। अंदर से जो आत्मा है वो तृप्त हो जाती है। हम मंदिर के हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो एक्चुअली इस मंदिर को 1900 ईस्वी से पहले तक रामानंद संप्रदाय के ये अंतर्गत आता था, जबकि 1900 से लेके 1948 के बीच यह गोसाई जो संप्रदाय है उसके अधीन था। आप देख पा रहे होंगे, हम लोग जानते हैं कि हमारे संत परंपरा में बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो उसी में से एक गोसाई संप्रदाय भी है जो कि 1900 से लेकर 1948 तक रहा। लेकिन फाइनल डिसीजन जब पटना हाई कोर्ट का 1948 में आया, तो उस समय यह फैसला लिया गया कि यह मंदिर अनादि काल से है, और पटना हाई कोर्ट ने 1948 में ही हनुमान मंदिर जी को हमेशा के लिए सार्वजनिक घोषित कर दिया है। तो माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग हनुमान मंदिर अब सार्वजनिक मंदिर है। मंदिर का एक ट्रस्ट है, उसे मंदिर जो ट्रस्ट है वही इस मंदिर की देखरेख या जो भी मैनेजमेंट है वो करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करना। इवन आपको पूजा आके यहाँ पे जो करते हैं ऊपर में, यहाँ तो आप दर्शन क्या करेंगे। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और ठीक सामने में आप पटना जंक्शन देख पा रहे हैं, और सामने में पटना जंक्शन के जस्ट सामने में ये तो हनुमान मंदिर का जो फ्लैग है हनुमान जी का, वो है झंडा। भक्तगण सेल्फी लेते हुए आए हुए हैं, इस दृश्य को भूलना नहीं चाहते हैं, अपने में समेट कर ले जाना चाहते हैं। काफ़ी एक आनंदमय और सुखमय वातावरण होता है, आप आकर यहाँ पे रिलैक्स करें। मैं भी जब आया था तो मैंने यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा समय दिए थे अपने, और मैंने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखा, और बहुत आनंद आया बहुत सारी चीज़ों को। आप कभी भी जब हनुमान मंदिर आएँ तो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे लेकर आएँ, हड़बड़ी न दिखाएँ, आराम से आप भगवान बजरंग बली की दर्शन करें। फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं, सेकेंड फ्लोर पे आ सकते हैं, थर्ड फ्लोर पर नहीं जा सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का कुछ दृश्य है। यहाँ पर भी भक्तगण बैठकर अपने मन मस्तिष्क को आनंदित करते हुए यहाँ पर आकर आपके अंदर जो है वो एक अद्भुत एनर्जी मिलती है, जिससे कि आपकी सोच मजबूत होती है। फर्स्ट फ्लोर पर भी कुछ मंदिर्स हैं जहाँ पर कि अलग अलग भगवान को स्थापित किया गया है, और फर्स्ट फ्लोर पर ही आप पूजा करा सकते हैं। ये जो आप सामने में देख पा रहे हैं एक डिज़ाइन है,
और जस्ट बताएंगे ये राम मंदिर का डिज़ाइन है जो बिहार में बन रहा केशरिया में। और ये जो सामने दृश्य देख पा रहे हैं यहीं पर आप पूजा कर सकते हैं, जहां से कि आप नीचे से रसीद लेंगे और यहां पर आपको एक रसीद दिया जाएगा और फिर आप आकर यहां पे पूजा करा सकते हैं। वॉल पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई हैं। भक्तगण आकर यहां पर जो भी मंदिर है माथा टेकते हुए अपनी मनोकामना मांगते हुए, और यदि उन्होंने कोई गलत काम किया है तो भगवान के सामने घुटने टेक कर क्षमा मांगते हुए, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, वो सारी बुराइयों को माफ़ कर देते हैं। केवल आपके मन में यदि आ गया कि आपने यदि कोई गलत काम किया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भगवान भोलेनाथ हैं, हर हर महादेव, और सामने में माँ पार्वती हैं, नंदी हैं। भव्य जो ये डिज़ाइन है रिपेलका जिसको हम कहेंगे, राम मंदिर जिसे रामायण मंदिर का नाम दिया गया है, माननीय किशोर कुणाल जी के ही दिशा निर्देश में ये बन रहा है। आप एक बार इस डिज़ाइन को देखिए कितना भव्य मंदिर है। बहुत जल्द ये तैयार होकर हम सब के बीच में आ जाएगा मंदिर। सामने में एक और भगवान जी हैं। जय हिंद। आप देख पा रहे होंगे अपना प्यारा तिरंगा। तिरंगा के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो आज हम झंडा देख पा रहे हैं, ये अपना प्यारा झंडा, आप ये मनोरम दृश्य देख पा रहे हैं ऊपर से, मैं सेकेंड फ्लोर पे आ चुका हूँ और सेकेंड फ्लोर से लिया गया, तो अपना जो प्यारा तिरंगा है जो आप देख पा रहे हैं, ये जिसमें 4 colors हैं, इसकी डिज़ाइन पिंगली बैंकैया ने किया था और फाइनली 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था कि नहीं, अब यही हमारा तिरंगा रहेगा। ऊपर से लिया गया दृश्य, भक्तगण आ रहे हैं, तो ये अपने तिरंगा का इतिहास है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस भी ये रहता है, 22 जुलाई 1947 और पिंगली बैंकैया। पटना का एक मनोरम दृश्य आप देख पा रहे होंगे, शाम को 8 बज चुके हैं और 8 बजे का ये लगभग दृश्य है। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी जो एकदम शरीर को छूकर निकल जा रही है, जिससे कि एक आंतरिक अनुभूति करा रही है हवा। झंडे को लहराते हुए देखकर आपको जरूर पता चल रहा होगा कि कितनी खूबसूरत हवा है, और भगवान के मंदिर में आने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं ये आप एक बार आकर यहां पर देखें। भजन पाठ करते हुए ये सेकेंड फ्लोर का दृश्य है। फर्स्ट फ्लोर पर कुछ मंदिर हैं जहां पर पूजा होता है, सेकेंड फ्लोर तक आप आ सकते हैं लेकिन थर्ड फ्लोर तक नहीं जा सकते हैं। और यह हनुमान मंदिर जी के सामने में जस्ट जो अपना पुल बना हुआ है, ऊपरी सेतु जिसे हम कह सकते हैं, एलिवेटेड जो ब्रिज है, एक भव्य नज़ारा पेश करते हुए। जब यह ऊपरी पुल नहीं था तो काफ़ी भीड़ होती थी इस गोलंबर पे, लेकिन आप देख पा रहे हैं शाम के समय में किस तरह का दृश्य होता है हनुमान जी मंदिर के पास। आप देख पा रहे हो पेंटिंग कितनी ज़बरदस्त की गई है पटना जंक्शन पर मौर्य टाइम
से लेकर महात्मा बुद्ध के बारे में। हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने बिहार के ही पावन धरती पर बोधगया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था लुम्बिनी, कपिलवस्तु आज नेपाल में अवस्थित है, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 में हुआ था कुशीनगर मल्ल रिपब्लिक में। मल्ल महाजनपद एक 16 महाजनपद में ही था, जैसे हमारा मगध महाजनपद था 6th century BC में, जब महात्मा बुद्ध का टाइम पीरियड हुआ करता था तब। यह सेकेंड फ्लोर का दृश्य है हनुमान मंदिर जी का, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटे भक्तगण बाल गोपाल कितने मंत्र मुग्ध हो गए हैं। लग रहा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए हैं दोनों बालकों में, और ये हनुमान जी मंदिर के पास आकर ये बहुत एंजॉय किया दोनों बच्चों ने। तो ये कुछ दृश्य हैं जो सचमुच एक अद्भुत अनुभूति कराती है। जब कभी भी आए डिटेल्स में आप जानने की कोशिश करें। मैंने हनुमान जी सो मंदिर है, हनुमान मंदिर जिसे हम पटना हनुमान मंदिर के भी नाम से जानते हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि 1985 के बाद जब ये भव्य मंदिर बना तब से बहुत ज़्यादा ये मंदिर विख्यात हुआ और आज इसे पूरे भारत में जाना जाता है। नहीं तो 1985 से पहले यहाँ पर मुख्यतः रामनवमी को ही श्रद्धालुओं की जो श्रद्धालुगण आते थे, और जो यहाँ के लोकल वासी होते थे उस समय यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते थे। लेकिन अभी हर रोज, वो मंगलवार या शनिवार नहीं, हर रोज हजारों भक्तगण यहाँ पर आते हैं दर्शन करने बजरंग बली जी का। अब हम लोग फिर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर आप देख पा रहे हैं कुछ भगवान के मंदिर हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए हैं। भक्तगण सेल्फी लेते हुए, क्योंकि ये एक अद्भुत नजारा होता है। कई भक्तगण फ्रीक्वेंटली यहाँ पर विजिट करते हैं जो खासकर पटना वगैरह में रहते हैं। हाँ, आपको एक और चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी थी, यदि आप अपने साथ बैग लेकर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम और इशू नहीं है, आप अपने साथ मंदिर में लेकर आ सकते हैं, कोई यहाँ पर चेक नहीं होती है। लेकिन यदि आप अपने छोटे बैग रखें तो बेहतर होगा, नहीं तो यदि आपके पास भारी बैग है तो आप जहाँ पर जूते चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है वहाँ पर आप रख सकते हैं। ये जो मेन मंदिर है बजरंग बली जी का, उसके पीछे का ये हिस्सा है जहाँ पर कि भक्तगण अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए या जो भी इनके मन स्थिति में है वो भगवान से बताते हुए और उनसे बातें करते हुए। सारे भक्तगण एक बार मुख्य मंदिर द्वार जो है जिसमें गर्भगृह है उसकी परिक्रमा भी करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे मंदिर्स में परिक्रमा की भी कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर होकर आ चुके हैं, अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे नीचे वाले पर आ गए हैं जहाँ पर मेन महावीर जी की दो प्रतिमाएं लगी हुई हैं। सामने में आप देख पा रहे होंगे भक्तगण हनुमान चालीसा या और भी जो अदर रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो पठन
पाठन करते हुए भक्तगणों का तांता हमेशा लगा रहता है, आते रहते हैं, कई भक्तगण जा रहे हैं जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं। तो ये अपना हनुमान मंदिर है, आपको जब कभी भी मौका मिले ज़रूर आएं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बाहर से भक्तगण आते हैं वो यदि एक बार आ जाएं तो अपने को बहुत सफल मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बजरंग बली जी का दर्शन कर लिया। हम लोग राइट हैंड साइड से इन किए थे और ये लेफ्ट हैंड साइड से होते हुए अब हम लोग बाहर निकलेंगे। आप देख पा रहे हैं देश में यही एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी के दो विग्रह रूप है, यानी कि दो यहाँ पे विग्रह हैं, दैट मीन्स इनके दो रूप हैं, दो फॉर्म हैं, विशाल काय घंटा बजाने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए। बजरंग बली के जितने सारे भक्तगण होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, इसीलिए यह सूचक है महावीर जी का। यहाँ पे शायद माननीय हाँ श्री किशोर कुणाल जी आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे उनके साथ एक गार्ड जी भी हैं, आप सीढ़ियों से चढ़ते हुए जिन्होंने हनुमान मंदिर को विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, इस तरह के महापुरुष और व्यक्ति एक कालखंड में पैदा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, उनके दर्शन भी हो गए, यानी कि काफ़ी मतलब कि अच्छा लगा हमें। यहाँ से निकास है, आप निकल सकते हैं, एग्जिट पॉइंट है। निकलते ही क्रम में आप यहाँ पर पाएंगे कि भक्तगण सब पूजा अर्चना करके आते हैं तो यहाँ पर सिंदूर और रोली रखा हुआ है, आप टीका कर सकते हैं। तो भक्तगण टीका करते हुए, हमने भी टीका किया यहाँ से बाल गोपाल खेलते हुए। सबसे ज़्यादा बाल गोपाल ही इंजॉय करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को ले आते हैं, इस तरह से अपने छोटे बच्चों को ले जाना चाहिए, वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, इवन मस्जिद हो, हर एक जगह जो भी अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं अपने बच्चों को ज़रूर ले जाएं, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, देखिए कितने खुश हैं। और जब और बड़े हो जाएंगे, कुछ समझने लगेंगे तो यहाँ से ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं बच्चे, क्योंकि ये ऐसे जगह हैं जो कि हमारे कल्चर, वो हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम या अदर रिलीजन्स जो भी हैं, पारसीज, क्रिश्चियंस, हमें जाना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। यहाँ पर कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हैं, यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता और हनुमान चालीसा विग्रह आप खरीद सकते हैं। ये बाहर का दृश्य है, भक्तगण बाहर निकल चुके हैं, हम भी बाहर आ चुके हैं। अब आप यहाँ से जूते अपने कलेक्ट कर सकते हैं, चप्पल जो भी आपने यहाँ पर उतारे थे, और फिर आप आगे प्रस्थान कर सकते हैं अपने गृह को। जैसे ये एक पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को ले आए हैं, काफ़ी अच्छा ये दृश्य होता है। जस्ट सामने में जो एडजेसेंट साइड है हनुमान मंदिर का, वहाँ पर कुछ लोग हैं, जब दर्शन करके आते हैं तो इन्हें कुछ पैसे या खाने की वस्तुएं भेंट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हनुमान मंदिर का दर्शन काफ़ी सुखद लगा होगा।